टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के पोस्टमार्टम रूम के बाहर हैं। दरअसल खालवा में कल एक सांप ने रीना बाई लोवंशी, जो निवासी मल्लारगढ़ खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, वहां की रहने वाली हैं, सांप ने काट लिया। परिवार वाले उन्हें खालवा उप स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहां पर से उन्हें खंडवा रेफर कर दिया गया। लेकिन जब खंडवा वो पहुंचे तो खंडवा के डॉक्टर ने कहा कि खालवा उप स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें सांप काटने वाला जो एंटी स्नेक बाइट वाला इंजेक्शन होता है वो क्यों नहीं लगाया गया, जिसके पश्चात इलाज के दौरान महिला का दुखद निधन हो गया। और इस बात को लेकर परिवार वाले बहुत नाराज हैं और महिला का जो मृत शरीर है वो इस समय पोस्टमार्टम रूम में है। सबसे पहले आपकी उनके परिवार वालों से बात कराते हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात कराते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक बार आप भी पुष्टि कर दीजिए कि जो नाम है आपकी बहन का वो क्या है। बहन का नाम रीना, थोड़ा तेज बोलिए, रीना बाई लोवंशी है। पति का क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण लोवंशी। अच्छा, निवासी ग्राम मल्लारगढ़ के हैं। एक बोलिएगा मल्लारगढ़, क्या हुआ था कल? कल शाम में ये खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने अपने घर के बाड़े में गए तो वहाँ पर एक जहरीला सांप ने उनको काट लिया गया। अच्छा, उसके बाद उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खालवा लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही से ना वैक्सीन लगाया गया है और बल्कि गुमराह करके 1.5 घंटे तक का समय बर्बाद किया है। अच्छा, और बोले कि दांत नहीं लगा है, जहर नहीं चढ़ा है, बोले कि कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर रहने दो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो उसके चक्कर में हम लोग फिर गांव से हमारे गांव से गए, तो वहां से जाने के बाद हमने जैसे ही स्थिति को देखा तो स्थिति अच्छी नहीं थी, तो फिर हमने खंडवा रेफर किया है। अच्छा, खंडवा रेफर करने पर डॉक्टर ने 10 मिनट तक इलाज किया, वाटर लगाए, इंजेक्शन, उसके बाद मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा, तो क्या इसमें लापरवाही क्या निकल गई? लापरवाही सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र खालवा की है। क्या डॉक्टरों द्वारा जो इलाज होना था वो इलाज नहीं किया गया। अच्छा, यानी 1.5 घंटे तक इंजेक्शन लगाया कि नहीं लगाया? इंजेक्शन लगाया, लेकिन जो इंजेक्शन लगने थे वो नहीं लगाया। अच्छा, बॉटल इंजेक्शन लगाया, लेकिन जो जरूरी थे वो इंजेक्शन इनको नहीं मिल पाए। अच्छा, वहाँ थे नहीं? हाँ, थे नहीं। और उसके बाद 1.5 घंटे तक गुमराह करके रखा है, बोले दांत नहीं लगे हैं, बोले जहर नहीं चढ़ा है, बोले ठीक हो जाएंगे। उस चक्कर में क्या चाहते हैं बाप? हम यही चाहते हैं कि उसका जो स्वास्थ्य केंद्र है खालवा की जो लापरवाही है उस पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये कल? ये खालवा में 7:30 बजे की, 7:30 बजे शाम को। हाँ, कल। हाँ जी। तो ये है महिला के भाई, जिनका स्पष्ट कहना है कि 1.5 घंटे तक इलाज में कोताही बरती गई, जो इंजेक्शन लगाए जाने चाहिए थे वो नहीं लगाए गए। ये हाल जो है उप स्वास्थ्य केंद्र खालवा का नहीं अपितु रामनगर का भी है, और अन्य जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं खंडवा जिले में, वहाँ ना ही जब कुत्ते के द्वारा काटा जाता है तो उस पर जो इंजेक्शन लगते हैं एंटी रेबीज इंजेक्शन वो भी नहीं है, सांप के काटने वाले इंजेक्शन भी नहीं है, और लगभग उप स्वास्थ्य केंद्र की कुछ इसी तरीके की स्थिति है। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह हमेशा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर रहते हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि इस मामले को लेकर वह एक तो खालवा उप स्वास्थ्य केंद्र की जाँच कराएँ, साथ ही साथ जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्योंकि अब मानसून का सीज़न आ गया है, ऐसे में सांप काटने की घटनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं, समय रहते अगर इलाज मिल जाता है तो किसी का जीवन बच जाता है। हॉस्पिटल वालों के लिए कॉमन बात होगी कि रोज़ किसी न किसी की मृत्यु होती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिसके घर का जाता है उसे बहुत फ़र्क पड़ता है, उनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब सरकार सारी सुविधाएं दे रही हैं, सारे व्यवस्थाएं दे रही हैं, तो उसको सुचारू रूप से ज़मीन पर इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी की रहती है, और उसके बाद फिर मॉनिटरिंग अथॉरिटी में खंडवा जिला कलेक्टर भी रहते हैं और किसी भी ज़िले के कलेक्टर होते हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थित इलाज हो। और अगर वन मंत्री कुंवर विजय शाह के क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है तो आप समझ सकते होंगे कि फिर ज़िले में क्या स्थिति होगी। बहरहाल स्थिति में सुधार हो इसको लेकर जिला स्वास्थ्य के जो प्रमुख अधिकारी हैं उन्हें और खंडवा कलेक्टर उन्हें इस विषय पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तत्काल प्रभाव से जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी जगह कुत्ते के काटने वाले इंजेक्शन, सांप के काटने वाले इंजेक्शन और जो भी इस तरह के जीव जंतु द्वारा काटने के बाद जो इंजेक्शन होते हैं वो स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा देने चाहिए तत्काल प्रभाव से, ताकि ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा ना हो। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते।